नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बीएचएफ फोर्स के निदेशक आनंद प्रकाश सिंह द्वारा बेटी की शादी के लिए उपहार स्वरूप ग्राम सेट देकर सम्मानित किया गया। आज दिनांक 13 मार्च 2022 को बापू भवन इन टाउन इंटर कॉलेज में बीएचएफ फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद प्रकाश सिंह के कर कमलों द्वारा इस कंपनी से जुड़े गरीब कार्यकर्ताओं की बेटी की शादी के लिए उपहार स्वरूप ड्रम सेट देकर सम्मानित किया गया। इस प्रकार से कंपनी द्वारा लगभग 11 वर्षों से दिया जा रहा है एवं आगे भी दिया जाता रहेगा, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता एवं गरीब समाज के परिवार का उत्साह वर्धन हो सके। मैं आनंद प्रकाश सिंह, बीएचएफ फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और हम लोग पिछले 11 साल से इस बिजनेस को और इस कंपनी को चला रहे हैं। आज किस प्रकार का कार्यक्रम बापू भवन में चल रहा है? आज सर हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं वो काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस माध्यम से ग्रामीण समाज के लोगों का विकास और उनकी बेटियों की शादी सर पड़ी है मई में और जून में भी कुछ लोगों की हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उन गरीब महिलाओं के परिवारों के थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग काम आ जाए तो हम लोगों के लिए सौभाग्य है। इसलिए हम लोगों ने आज उनको ड्राम सेट जो है तिलक पर चढ़ाने वाला बर्तन, सिलाई मशीन, बक्सा, अलमारी, ये सब हम लोगों ने पुरस्कार के रूप में चाहे सहयोग के रूप में उनके परिवार को देने का काम किया है, ताकि उनको भी लगे कि हाँ जिस संस्था में हम लोग हैं वो संस्था हमारे साथ खड़ी है कदम से कदम मिला। जी कितने लोग दिया गया आज? आज सर 255 लोग थे टोटल, 255 लोगों को पुरस्कार हम लोगों ने देने का काम किया है। जी 255 लोगों को क्या क्या किया दिया गया? जैसे सबसे ज़्यादा सर हम लोगों ने तिलक का सामान दिया है जो बेटियों को दहेज में देने के काम है, जिसमें है कि ड्राम सेट है, अलमारी है, बक्सा है, सिलाई मशीन है, मिक्सर मशीन है, डिनर सेट है, फाइबर का डिनर सेट है, एक को तो हम लोगों ने साइकिल भी दिया है। इस तरीके से किसी को डबल बेड मिला है, किसी को गहना मिला है, मैंने क्या क्या बताया जाए सर, बहुत कुछ हम लोगों ने देने का प्रयास किया। जी मतलब ये पहली बार दे रही हैं, पहले कभी दी हैं? नहीं सर, 11 साल से हम लोग लगातार देते हुए आ रहे हैं, लेकिन पहली बार मन में हुआ कि मतलब कि समाज में हम लोग बताएं, आज तक कभी हम लोगों ने ओपन नहीं किया है। जी क्या संदेश देंगे बाकी लोगों को, अपनी संस्था जो आपकी है उसके द्वारा आप क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि सर नारी शक्ति जो है महिला दिवस के रूप में, नारी शक्ति को हम लोग आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें अपने दम पे, अपने पैर पे, अपने हाथों में दम रखें, खड़ी हों, ताकि उनको भी हम लोग रोजगार दे करके परिवार का और समाज का विकास करने में सहयोग करें।